have discussed about the Mauryan dynasty, based on the Raj Chandragupta Maurya. About 326 BC, a despotic ruler of Nanda dynasty named Dhananand ruled upon the royal throne of Magad. बात लगभग 326 BC मगध जो साम्राज्य था उसके रॉयल थ्रोन पे एक बहुत ही आराम पसंद लग्जरियस किंग जिसका नाम था घनानंद नंद डायनेस्टी से बिलोंग करता था वो वहाँ पे राज करता था मगध के सिंहासन पे एट दैट टाइम और उसी टाइम पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज टेरिफाइड बाई एलेक्जेंडर इन्वेशन और उसी सेम टाइम पे नॉर्थ इंडिया एलेक्जेंडर के इन्वेशन से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और एलेक्जेंडर के इन्वेशन के साथ साथ एक तो एलेक्जेंडर का इन्वेशन और दूसरा घनानंद के अत्याचार इन दोनों से सारी प्रजा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। द सब्जेक्ट्स वर सफरिंग फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ देयर किंग वहाँ की जो प्रजा थी वो अपने राजा के अत्याचारों से बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। People of that state were dissatisfied with him. वहाँ के लोग जो घनानंद के लोग थे उसकी प्रजा थे घनानंद के द्वारा लगाए गए unbearable taxation यानी असहनीय टैक्स की वजह से बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे थे दुखी थे। मगधराज in need of in this situation मगधराज need of such a person who could eliminate their problems. तो उस टाइम पे मगध साम्राज्य था उसमें एक ऐसे आदमी की ऐसे राजा की जरूरत थी जो उनको इस कंडीशन से इस अत्याचार से इन मैटर से सबसे छुटकारा दिला सके एंड टाई अप द स्टेट इन सिंगल हैंड और इन सबसे छुटकारा दिलाने के साथ साथ सारे देश को या राज्य को एक सिंगल बॉन्ड में टाई अप कर सके ऐसे उन लोगों को एक राजा की एक आदमी की जरूरत थी। इन नो टाइम कौटिल्याज स्टूडेंट उसी समय पे कौटिल्य का स्टूडेंट था चंद्रगुप्त मौर्य वो वहाँ पे आया और उसने वहाँ पे अपना पॉलिटिकल एम्पायर स्टार्ट किया और उसी टाइम पे एक नई डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी की उसने फाउंडेशन रखी उसकी नींव रखी। तो ये अपना हो गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी। अब अपन पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि उसने क्या अचीवमेंट हासिल की क्या उसने किया कैसे सिंहासन पे आया वो अपन जान चुके हैं यहाँ पे लेकिन अब अचीवमेंट क्या थी उसकी खाका पे उसने बैटल जीते थे ये सारी चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। अपन मौर्य डायनेस्टी में आगे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो उसकी क्या अचीवमेंट थी क्या उसने युद्ध किया कहाँ पे युद्ध किया किसके साथ किया ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के टॉपिक। ही हैज कंडेड ऑन द थ्रोन एट द एज ऑफ जस्ट 25 वो ओनली 25 की एज में मगध के सिंहासन पे एस्केंड हो चुका था बैठ चुका था। थ्री हिज एक्सटेंसिव विक्टोरियस कैंपेन ही स्टेबलाइज्ड द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर उसने अपनी एक्सटेंसिव विक्टोरियस कैंपेन के तहत फर्स्ट इंडियन पैन एम्पायर स्टेबलाइज किया था। In 305 BCE, he defeated then Greek ruler. उसने 305 में उस टाइम के ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर को हराया था। उसके बाद में उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी में संधि हुई थी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 एलिफेंट दिए थे जिसके बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपने कुछ पार्ट्स इसको सरेंडर किए थे चंद्रगुप्त मौर्य को जिनमें थे ईस्टर्न अफगानिस्तान बलूचिस्तान एंड द रीजन टू द वेस्ट ऑफ रिवर इंडस। तो वो तो पार्ट्स सेल्यूकस निकेटर ने दिए थे वो थे ईस्टर्न अफगानिस्तान बलूचिस्तान और इंडस रिवर का वेस्ट पार्ट एंड सेल्यूकस ऑल्सो गॉट हिज डॉटर मैरिड। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से कराई। इसके साथ में उसने अपना एक मेगस्थनीज
उसका मंत्री था, मिनिस्टर था, उसको तलगुप्त मौर्य के कोर्ट में अपना एक एम्बेसडर बना के भेजा था। अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट, इन सब पार्ट के अलावा तलगुप्त मौर्य के साम्राज्य में और भी बहुत सारे हिस्से थे, जिनमें है काबुल, हेरात, कांदा, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा एंड यमुना प्लेन्स, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्या एंड कश्मीर। ये सब पार्ट्स भी चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रेट एम्पायर में इंक्लूड थे, शामिल थे। इट इज नोन फ्रॉम द ट्रीटी डेज, ये अपने को जितने भी पुरानी संधियां हैं, लिखावट है, उनसे जानकारी मिली है। कौन कौन से थे वो? अहानुमुरु एंड मुरानुमुरु। इनसे अपन को ये भी पता चला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ इंडिया में भी इन्वेड किया था, वहाँ पे भी इसने आक्रमण किया था, वहाँ के राजाओं को हराया था और अपना शासन वहाँ पे स्थापित किया था। इसके अलावा वो अपनी ओल्ड एज में भद्रगांव रीजन से जैन रीजन में कन्वर्ट हो गए थे और एक लंबे फास्ट के बाद मैसूर की एक जगह है, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। तो ये अपना चंद्रगुप्त मौर्य का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और अपन कल आगे दूसरा वीडियो देखेंगे। ओके, बाय।